हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुई भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई, जिसके बाद कई गाड़ियां उसमें फंस गई। रास्ता पूरी तरह बंद होने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। बर्फ की वजह से गाड़ियों के पहिए आगे पीछे फिसलते रहे, लेकिन वहां से निकलना मुश्किल हो गया। इस दौरान प्रशासन ने बर्फ हटाने वाली मशीनों की मदद से सड़क पर जमी बर्फ को हटाया, जिसके बाद वहां फंसे लोग निकल पाए। इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला में भारी बर्फबारी हुई, जिसके बाद पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में सिमट गया। बर्फ की इन तस्वीरों को वहां रहने वाले एक आदमी ने अपने मोबाइल फोन में कैमरे में रिकॉर्ड किया, जिसमें देखा कि हर तरफ बर्फ की ही जो सफेद चादर है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। पेड़, पहाड़, मकान, सड़कें सब बर्फ से ढके नजर आए। मकानों की छतों पर भी बर्फ की मोटी परत जमी नजर आई। भारी बर्फबारी के बाद सड़कों का नामो निशान मिटता हुआ दिखाई दिया। इस बर्फबारी की वजह से वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गईं। अमेरिका के टेक्सास में भारी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। बर्फबारी की वजह से वहां सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई। लगातार बर्फबारी होने की वजह से वहां तापमान भी काफी गिर गया, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हुए। हालांकि कुछ लोग इस बर्फबारी का मजा लेते हुए भी नजर आए। ये लोग बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकते रहे और काफी देर तक बर्फ का यूं ही मजा लेते रहे। महाराष्ट्र के पालघर में केमिकल फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई। धमाके के बाद फैक्ट्री का एक हिस्सा पूरी तरह जमींदोज हो गया और पूरी फैक्ट्री में आग लग गई। बताया गया कि धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी आवाज करीब 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और आसपास के इलाके में लोगों के मकान तक हिल गए। हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और आग बुझाने के साथ ही फैक्ट्री के मलबे में दबे लोगों को बचाने में जुट गई। हादसे में घायल लोगों को आनन फानन में एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवाया गया, जिनमें कुछ की हालत नाजुक बताई गई। फैक्ट्री में धमाके के बाद एहतियातन उसके आसपास के इलाके में बिजली की सप्लाई को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से राहत और बचाव के काम में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। फिलहाल फैक्ट्री में हुए धमाके की वजह पता नहीं चल पाई है। बीती शाम तारापुर MIDC में जो ब्लास्ट हुआ और उसमें जो गंभीर रूप से घायल हुए लोग हैं, वो इन्हें इसी तुंगा अस्पताल में ले आया गया है और उनका इलाज जो है यहाँ पर चल रहा है। और बताया ये जा रहा है कि करीब 7 लोग यहाँ पर एडमिट हैं जो उस घटना में घायल हुए हैं। उनका इलाज कल रात से ही यहाँ पर चल रहा है। कल उन्हें करीब 2 से 3 किलोमीटर की दूरी है इस हॉस्पिटल की एक्सीडेंट स्पॉट से, जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, और उसके बाद एम्बुलेंस के जरिए जो गंभीर रूप से घायल लोग थे जिनकी जान बचाई जा सकती थी, उन्हें यहाँ पर ले आया गया है और इनका इलाज इसी तुंगा अस्पताल में चल रहा है। ये जो हॉस्पिटल है ये MIDC परिसर में ही मौजूद है, करीब 2 से 3 किलोमीटर की दूरी है एक्सीडेंट स्पॉट से, और यहाँ पर जो है घायलों का इलाज चल रहा है। और जिनकी मौत हुई है उन्हें तारापुर का जो अस्पताल है जहाँ पर पोस्टमार्टम की फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ पर जो है उनका पोस्टमार्टम करके उन्हें उनके घर वालों को उनकी बॉडी मुहैया कराई जा रही है, उन्हें दे दी जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इस पूरे मामले की जांच जो MIDC पुलिस है वो कर रही है। तारापुर MIDC में ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग की क्या हालत है उसको अभी दिखा देता हूँ। बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, उसके जो पिलर वगैरह हैं वो सब टूट चुके हैं, यानी हालत ये है कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। जो ब्लास्ट था वो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी जोरदार था, इसके चलते बिल्डिंग का आप अंदरूनी हिस्सा देख सकते हैं कि जो अंदर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग चल रही थी, जो सरिया बिल्डिंग के अंदर थी, जो पिलर के अंदर थी, वो बाहर आ चुकी है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि हर तरफ जो इस इमारत का हिस्सा है वो टूट के लटका हुआ है सरिया के सहारे, और उसी में NDRF की जो टीम है वो लगातार सर्च ऑपरेशन जो है चलाई हुई है कल रात से। और अभी देखिए जहाँ पे ये हिस्सा आप देख रहे हैं, जहाँ पे NDRF के लोग खड़े हैं, वहाँ पर एक और बॉडी मिली है। देखिए NDRF के जो लोग हैं वो बॉडी को निकालने के बाद उसे बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। मतलब ये आपको कुछ दिखाता हूँ, और बॉडी यानी 7वीं मौत इस पूरे मामले में अब तक दर्ज की गई है। और साथ ही साथ जो बताया जा रहा है कि एक बच्ची अभी भी लापता है और एक लिफ्ट मैन वो भी लापता है, और अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। लेकिन ये 7वीं मौत है और NDRF के लोग लगातार इस मलबे के में उसे हटा कर जो है वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। कल रात में जब
हादसा बड़ा हुआ तो उसके बाद एनडीआरएफ की टीम को मुंबई से बुलाया गया, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुँची, फायर ब्रिगेड की जो टीम यहाँ पर पहुँची वो जो है लगातार जो है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं।